ऐसे चोरों की तरह खिड़की से मेरे कमरे में कैसे घुस गई तुम? और हमारा मन जानता है कि आप ये सब जो कर रहे हैं इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मजबूरी है, और ना हमारे अंग्रेजी हीरो अपनी नंदनी को कभी नीचा दिखा ही नहीं सकते थे। बोली बोली ऐसा है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या लड़की? लड़की देखो मुझसे ना चिपकने की कोशिश मत करो। तुम्हारा नहीं पता लेकिन मेरा एक कैरेक्टर है, मुझ पे ना सिर्फ मेरी पत्नी भूली का हक है, आई बात समझ? इसलिए अभी के अभी इस कमरे से बाहर जाओ, निकलो। नहीं, नहीं, हमारे अंग्रेजी हीरो से कभी बोल नहीं सकता मैं। अंग्रेजी हीरो हम जानते हैं मजबूरी की आग में जल रहे हैं, कोई मजबूरी जरूर है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें बताइए ना अंग्रेजी हीरो, ऐसा मत कीजिए, हमारे साथ हाथ जोड़ते हैं हम आपके, हमें बताइए क्या बात है। बस बस हो गया तुम्हारा इमोशनल ड्रामा, और मैं तुम्हारा कोई अंग्रेजी हीरो नहीं हूँ। अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकलो, वरना मुझे हीरो से विलन बनने में एक सेकंड नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ इस कमरे से बाहर निकलो। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अंग्रेजी हीरो ने हमारी बात सुनी, अंग्रेजी हीरो क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ ये बेशरम लड़की फिर से मेरे कमरे में मंडरा रही थी। जैसी लड़की की जगह ना इस घर में नहीं इस घर के बाहर होनी चाहिए। तुम जैसी लड़कियां ही ना जो ढोरे खुद डालती और बदनाम लड़के होते हैं। आप बदनाम तब होगे ना जब कोई गैर आपको छुएगा। तो पत्नी आपकी हक है हमारा पर। एक बार फिर से मुझे अपनी पत्नी बोला ना तो ये जुबान निकाल के इसी से गला घोट दूंगा मैं तुम्हारा। इससे पहले मेरा दिमाग खराब होना, निकल जाओ इस घर के बाहर। मैंने कहा निकल जाओ इस घर के बाहर। जोड़ते आप क्या क्या हमें इस घर से मत निकालिए। क्यों नहीं निकालो इस घर के बाहर? बोलो क्यों नहीं निकालो? किस अधिकार से इस घर में रहोगे तुम? नौकरानी के अधिकार से। हमारे घर में नौकरानी बनकर रह सकती हो। अब तो मैं अपनी पलकों पर बैठा कर रखती थी, अब आप हमें नौकरानी बनने को कह रही है। नौकरानी बनना है तो बनो, वरना हम अभी पुलिस को फोन करके ना तुम्हें गिरफ्तार करवा देते हैं। वैसे भी ना हम दोनों काम वाली ढूंढ ही रहे थे, मंजूर है तो बोलो। अगर इसने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पता करना है कि अंग्रेजी हीरो को हुआ क्या है तो हमें इस घर में रहना होगा। शायद तभी दादी माँ हमें नौकरानी बनाना चाहती है। मंजूर है हमें। पर मुझे मंजूर नहीं है।
ये लड़की इस घर में रहेगी तो रोज नए हंगामे करेगी, निकालो इसे बाहर। अम्मा जी, गरीब औरत है अम्मा जी, इसे रख लेते हैं ना, इसका भला हो जाएगा। लेकिन नौकरानी बनने की हमारी एक शर्त है, तुम्हें मालिकों से दूरी बना के रखनी होगी। तुम अगर मालिकों के आसपास भी भटकी, हम तुम्हें तभी के तभी घर से बाहर निकाल देंगे। ये भी मंजूर है। आकाश। हाँ दादी। चलो, हमें कुछ काम के सिलसिले में तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। वही जो हर पति करता है, अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर रहा था। मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ फूली है, जिसके साथ मैंने जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाई हैं। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, कौन हो तुम? मुझ पे ना सिर्फ मेरी पत्नी फूली का हक है, आई बात समझ? आखिर ऐसा क्या हो गया इतने दिनों में? हमारे लिए इतना काया बदल गया। अभी आप बताइए ना, काया हो रहा है हमारे साथ ऐसा? अंग्रेजी ने हमसे हमसे ऐसे काया बर्ताव कर रहे हैं? यही सवाल तो हमें भी कहा जा रहा है नंदनी। जब वो आकाश भैया से मिले तो वो बोल रहे थे कि दादी ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी फूली है। हमने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो कुछ कुछ समझ नहीं रहे थे। हमने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने हमारे एक नहीं सुनी। बर्ताव के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा है, और उस राज के तहत हम जाकर रहेंगे। तू शायद भूल गई है कि घर के फैसले घर की मुखिया लेती है, और वो हम है। तुझे किसने हक दिया था नंदिनी को इस घर में नौकरानी बना के रखने का? नंदिनी को नौकरानी बनाने के लिए हक नहीं, दिमाग चाहिए। अगर वो घर के बाहर रहेगी तो रोज नई नई चालें चलती रहेगी। इसलिए हमने नंदिनी को नौकरानी बनाया ताकि 2400 घंटे हम उसके ऊपर निगरानी रख सके। लेकिन अगर तूने होशियारी की और उसका साथ देने की कोशिश की तो याद रखना, तेरे सारे राज पर्दाफाश कर दूंगी। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि वो राज तेरे ही घर के तहखाने में छुपा हुआ है।
अगर दुखों का घड़ा होता ना तो आज वो भी भर के टूट चुका होता। आज हमने हमारे पति को दूसरी लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर देखा। ऊपर से भले ही सही सलामत लग रहे लेकिन हमारा दिल दर से हजार टुकड़ों में टूट चुका है। हमारा दिल अंग्रेजी हीरो टूट गए हम। लेकिन हमें ना हमारे अंग्रेजी हीरो के ऊपर पूरा विश्वास है। हम जानते हैं अब ये सब जो कर रहे हैं हमारे साथ इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। तहखाने में वो राज छिपा है। छुपकर बाहर आ गया तो हमारा परिवार उजड़ जाएगा। यहां पे जो राज है वो राज ही रहना चाहिए। जो फाल्गुनी चाहेगी हम वही करेंगे। क्या कर रही हो? मैंने पूछा क्या कर रही हो? तुम हमारे कमरे में कैसे आई? दरअसल अंग्रेजी रो दरअसल छोड़ो हमें, छोड़ो। तुम्हें हमने नौकरानी क्या बना लिया? हमारे पति को रिझाने चली आई? ये हम तुम्हें तुम्हें अपराध दिखाते हैं। निकलो यहाँ से। पुलिस छोड़ो। नंदनी। Yeah.
बाहर नौकरानी छोड़ो अबे अबे चीरो अब ठीक है अबे चीरो अंग्रेजी हीरो की पत्नी से हम है और हम ही रहेंगे झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता है गलत फहमी में मत रहो फॉर्म लास्ट में याद आ जाने के बाद से ना राजा जी के लिए उनकी पत्नी सिर्फ हम है चीरो अपनी दश को चुके लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन to never miss an update from Nazara.